हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आम से ही बनी हुई एक स्वीट डिश जिसका नाम है मैंगो रोल। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने मैंगो रोल बनाना। मैंगो को सबसे पहले हम छील लेंगे, फिर इसके छोटे छोटे पीस कट करके इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। मैंगो प्यूरी मैंने तैयार कर ली है, अब मैं इसको पैन के अंदर डालूंगी। आम आप बिना रेशे वाला ही लें, और अगर आम के अंदर रेशा है तो उसको छान लें प्यूरी बना के। मैं इसके अंदर 4 चम्मच चीनी डालूंगी और इंडक्शन को ऑन करूंगी। इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। चीनी को आप ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। अगर आपका आम खट्टा है तो चीनी ज्यादा डाल दें, मीठा है तो इतनी ही चीनी डालें उसके अंदर। लेकिन इसे लगातार चलाना होगा, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। आम के रोल खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इन्हें बनाना भी आसान होता है और ये बनते भी जल्दी हैं। प्यूरी बनाते टाइम आप इसके अंदर ना ही दूध डालेंगे, ऐसे ही आपको प्यूरी तैयार करनी है और इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है इसको। मैंगो प्यूरी मेरी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको इस तरह से चेक करें, स्पून के अंदर लें और ये देखिए कि ये फ्लो में तो नहीं गिर रही। अगर ये रुक रुक कर गिर रही है तो समझो ये आपकी रेडी हो गई है। तो आप इस टाइम इंडक्शन को या अपने गैस को बंद कर दें। मैंने ये 2 प्लेट ली हैं, मैं इनको घी से हल्का सा ग्रीस करूंगी जिससे कि ये चिपके नहीं और बाद में ये आराम से निकल जाए। अब हमें जो हमने ये मैंगो प्यूरी तैयार की है इसके अंदर डालेंगे और एक पतली सी इसके अंदर लेयर बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, बीच में आपके कहीं होल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये निकालते टाइम फट जाएगी और आपके आम के रोल अच्छे नहीं बनेंगे। ना ये ज्यादा मोटी करनी है ना ज्यादा पतली। इस तरह से इसको फैलाना है, एकदम पतला, ना ज्यादा मोटा ना पतला, और बीच में आपके इसके अंदर होल ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने प्लेट को उल्टा कर दिया है और उल्टी साइड में इसको फैलाऊंगी अच्छी तरह से, एक पतली सी लेयर बनानी है। अब मैं इसको
12 से 13 घंटे धूप के अंदर सुखाऊंगी। आम रोल के लिए अब मैं स्टफिंग बनाऊंगी। फ्राई पैन के अंदर एक चम्मच घी डालूंगी, देसी घी, और आधा कप दूध, गैस को हम अभी ऑन नहीं करेंगे। ये मैंने 200 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पहले इसको मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें गुठली ना बने। और जो कप में दूध था सारा दूध मैं उसके अंदर डाल दूंगी। मिल्क पाउडर के अंदर मैं 4 चम्मच पिसी हुई चीनी डालूंगी। आप मिल्क पाउडर की जगह खोया भी डाल सकते हैं। ये मैंने 4 चम्मच चीनी डाली है पिसी हुई। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और फिर इंडक्शन को ऑन कर दूंगी। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है, जब एकदम ये थिक हो जाना चाहिए। लगातार हमें इसे चलाना है। ये स्टफिंग हमारी एकदम डो की तरह रेडी होनी चाहिए। मैंगो रोल खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मिल्क पाउडर को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी इसे थोड़ा टाइम और लगेगा। मैं इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। स्टफिंग मेरी बनकर तैयार होने वाली है, बस इसे 2 मिनट और लगेंगे पकने में। स्टफिंग हमारी अब पैन छोड़ने लगी है, तो हमारी ये रेडी हो गई है। मैं इंडक्शन को ऑफ कर दूंगी और इसको 10 से 15 मिनट फ्रिज के अंदर रखूंगी। देखिए, मैंने इनको 13 घंटे धूप में सुखाया है और अभी मैं देखती हूँ। पहले इनको साइड से इस तरह से चाकू से कर लें दोनों ही प्लेट में, और ये बहुत ही ध्यान से निकालना। पहले इस तरह से किनारी से काट लें इसको अच्छी तरह। इस तरह से आपकी जो ये आम पापड़ की तरह है अच्छी तरह से निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। ये देखिए, ये कितनी आराम से निकल रही है। ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट लग रही है। अब मैं इसके ऊपर एक साइड से नारियल पाउडर डाल दूंगी
और दूसरी साइड पे। इसको भी हम इसी तरह से हटाएंगे बहुत ही आराम से। इसको भी मैंने इसी तरह से निकाल लिया है। दोनों साइड हम नारियल का पाउडर ऐसे ही डालेंगे। अब हम इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप निकालेंगे। स्टफिंग मेरी ठंडी हो गई है। चम्मच के ऊपर मैं हल्का सा घी लगाऊंगी, फिर इसको थोड़ा सा लूंगी और इस तरह से शेप दूंगी उसको और इसको एक साइड में रख दूंगी। सभी को मैं पहले इसी तरह से बनाऊंगी। स्टफिंग मेरी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं एक एक लूंगी और इसके अंदर इस तरह से रखना है और इसको रोल करना है और इस तरह से इसको दबा देना है। ये देखिए, दूसरी भी मैं इसी तरह से लूंगी। इस तरह से ये देखिए, थोड़े से इस पे पिस्ता लगाऊंगी और इस तरह से रख देंगे। इसी तरह से मैं सभी को बनाऊंगी। आम रोल मेरा बनकर तैयार हो गया है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।